अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर औरतें सिर्फ सोने से ही हामला हो जाती हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि दरख्तों से भी गोश्त हासिल किया जा सकता है तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, दोस्तों वैसे तो मुख्तलिफ तोहमात हर मुआशरे में राइज होती हैं। हमारे मुआशरे में भी इस तरह की तोहमात पाई जाती हैं कि पाकिस्तान में भी लोग औलाद के हसूल के लिए मुख्तलिफ पीरों फकीरों के दरबारों की खाक छानते हैं। इसी तरह इंडिया में भी एक ऐसी ही तोहमत मौजूद है। इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जिसकी जमीन पर सिर्फ सोने से औरत हामला हो जाती है। ये सुनकर आप हैरान जरूर हो गए होंगे, मगर लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा मंदिर है जहां औरतों की हामला होने की ख्वाहिश पूरी होती है। देखा जाए तो साइंसी तौर पर भी ये बात काबिले यकीन नहीं। जमीन पर सोने से औरतों को प्रेग्नेंट कर देने वाला ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी नामी जिला के सेमस नामी गाँव में मौजूद है। इस गाँव के लोगों का मानना है कि जो भी औरत सच्चे दिल से इस मंदिर के जमीन पर सोती है वो हामला हो जाती है। और तो और, हामला होने से पहले ही इसे इस बात का पता चल जाता है कि इसे लड़का पैदा होगा या लड़की। आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि लड़का या लड़की होने का पता उन्हें ख्वाब में लगता है। इस महासमसा मंदिर में सैलेंद्रा अवसर नामी फेस्टिवल मनाया जाता है। सैलेंद्रा का मतलब ख्वाब में आना है। यही वो खास वक्त होता है जब यहाँ सोने वाली औरतों को ख्वाब में पता चलता है कि इनके यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की। नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ रात के वक्त ही नहीं बल्कि दिन में भी यहाँ औरतें सोती हुई पाई जाती है और बाकायदा हमला भी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि जो औरत सच्चे दिल से इस मंदिर में आती है उसको जरूर इस मंदिर की देवी की तरफ से ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। इस मंदिर में सोने वाली औरतों के मुताबिक अगर इनके ख्वाब में अमरूद दिखाई दे तो उनके यहाँ लड़का पैदा होता है और अगर भिंडी दिखाई दे तो लड़की पैदा होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर मंदिर में सोने वाली लड़की को ख्वाब में कोई लकड़ी पत्थर या कोई और चीज दिखाई दे तो इसका साफ मतलब होता है कि ऐसा ख्वाब देखने वाली औरत कभी माँ नहीं बन पाएगी। नंबर टू, साल 2013 में साइंसदानों ने इंसानी दिमाग से सेल्स निकाले और चूहे के दिमाग के अंदर डाल दिए तो कुछ दिन बाद पता चला कि चूहों के याद करने की सलाहियत और नई नई चीजें सीखने की आदत तेजी से बढ़ती जा रही है। नंबर थ्री, दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि चाइना की मीट मार्केट में आपको दुनिया की हर चीज का गोश्त मिलेगा, लेकिन इंडोनेशिया में मुसलमानों की अक्सरियत होते हुए इसकी एक मार्केट जिसका नाम टोमोहोन मार्केट है, यहाँ भी आपको हर जानवर का गोश्त मिलेगा, चाहे वो चमगादड़ हो, सांप हो, चूहा हो, यहाँ पर सब मिलता है। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि कोई भी चार पैरों पर चलने वाली चीज दिखे तो उसे खा लेना चाहिए। नंबर फोर, दोस्तों अगर आपको जापान में पुलिस ऑफिसर बनना है तो आपके लिए जूडो कराटे सीखना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जापान में पुलिस ऑफिसर को नज़म लिखना सिखाई जाती है और फूलों को कैसे सजाया जाता है ये दिखाया जाता है, ताकि इंसान का जो आर्टिस्टिक नेचर होता है इससे खुद को जोड़ सकें और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकें। नंबर फाइव, दोस्तों अगर हम हिंदुइज्म में भगवानों की तादाद की बात करें तो वो तकरीबन 330 मिलियन से भी ज्यादा है, मगर अब हिंदू पंडितों ने इस लिस्ट में एक और भगवान का इजाफा कर डाला है जो कि कोरोना भगवान है। अब आप जाहिलियत की इंतहा देखिए कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में भी इस तरह की तोहमात पर लोग यकीन करके कोरोना की पूजा करने में लगे हैं और इसको खीर चढ़ाई जा रही है। दरअसल इन पंडित का कहना था कि चीन से ये वबा इसलिए शुरू हुई कि लोग मांस यानी गोश्त खाते हैं जिसके हसूल के लिए वो जानवरों को मारते हैं, इसलिए कोरोना भगवान को गुस्सा आ गया और अब वो उन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जो कि गोश्त खाते हैं। नंबर सिक्स, दोस्तों अगर आप किसी ऐसी चीज को देखें जो गोश्त की तरह लगे और इसका जायका भी गोश्त जैसा हो तो वो गोश्त ही होगा, लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से माहिरीन ने गोश्त के बगैर ही गोश्त को तैयार कर लिया है। स्पेन के स्टार्टअप नोवा मीट ने दावा किया है कि उन्होंने 3D प्रिंटर से गोश्त के बगैर ही गोश्त तख्लीक किया है। ये देखने में बिल्कुल साफ असल गोश्त जैसा दिखाई देता है। बार्सिलोना की इस कंपनी ने ये गोश्त पौधों से हासिल किए गए प्रोटीन से बनाया है। 3D प्रिंटर से बनाए गए इस गोश्त की बनावट और रंगत सब कुछ असल गोश्त जैसी ही है। इसे असल गोश्त का बेहतरीन मुतबादिल भी करार दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।